आप ज्ञातों को हिंदी विषय के अंतर्गत कविता पथ मेरा आलोकित कर दो पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए पथ का अर्थ होता है रास्ता, आलोकित कर आलोकित का अर्थ होता है प्रकाशित करना, उजाले से भरना। इस कविता के कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। तो कवि सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे प्रभु मेरे पथ को आलोकित कर दो, प्रकाशित कर दो। तो आइए देखिए कविता में कवि क्या लिखा है। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उनका तम भर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नव में उड़ना सीख रहा हूँ। बहुत सकु निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो कर दो। पाया जब से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है या मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। आइए देखिए अब मैं इस कविता का अर्थ आपको समझाती हूँ। कवि सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे प्रभु मेरे पद को आलोकित कर दो, यानी प्रकाशित कर दो। हे प्रभु मेरे मन के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश से मेरे हृदय का उनका अर्थ होता है हृदय, तम का अर्थ होता है अंधकार, मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो। अर्थात कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है हे प्रभु मेरे अज्ञान रूपी हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश से उसे प्रकाशित कर दो। आगे कवि कह रहा है मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा यह विश्व के नम्मे उड़ना सीख रहा हूँ। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो। देखिए पथ का अर्थ होता है राहगीर, पथ का अर्थ होता है रास्ता, विहंग का अर्थ होता है पक्षी, नर का अर्थ होता है आकाश, निर्दिष्ट का अर्थ होता है निर्धारित, लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य न। कभी कभी सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आगे कह रहा है अपने को एक नन्हा सा पथिक बता रहा है, राहगीर बता रहा है। ये प्रभु अभी मैं इस संसार के पथ पर एक नन्हा सा पथिक राहगीर हूँ और मैं अभी इस संसार के पथ पर केवल चलना सीख रहा हूँ। इस संसार में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना यह सीख रहा हूँ। आगे कभी अपने को एक नन्हा सा विहग यानी पक्षी बता रहा है, इस संसार में छोटा सा पक्षी बता रहा है और कह रहा है कि मैं अभी नव आकाश में केवल उड़ना सीख रहा हूँ। पहुंच सकूं और हे प्रभु मुझे ऐसी पर दो ऐसी शक्ति दो ऐसी ताकत दो कि मैंने अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दो। आगे कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है या मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। आगे कभी ईश्वर से कह रहा है हे प्रभु इस संसार में जितना भी अभी तक मैंने पाया है मेरी मनोकामना, मनोकामना का अर्थ होता है मन की इच्छा, मेरी इच्छा है कि मैं उससे कहीं अधिक इस संसार को देकर जाऊं, यानी इस संसार में मुझे जो कुछ भी दिया इस संसार से मैं जो कुछ भी पाया उससे कहीं ज्यादा मैं इस संसार को देना चाहता हूँ। कभी
मनोकामना है। आगे कवि कह रहा है, हे प्रभु मुझे ऐसी मंगलमय, मंगलमय का अर्थ होता है कल्याणकारी, मुझे ऐसी कल्याणकारी शक्ति दो कि इस पृथ्वी को मैं स्वर्ग जैसा सुखमय बना सकूं। देखिए आगे आपका गृहकार है, पद मेरा आलोकित कर दो नामक कविता याद करिए तथा लिखिए। आपको यह कविता याद भी करनी है और इसका अर्थ भी समझना है।